हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि सर, अगर IDBI एग्जीक्यूटिव हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हम बाद में रिज़ाइन करके किसी जब दूसरी पोजीशन को ज्वाइन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। देखो, एक्चुअली क्या है कि IDBI एग्जीक्यूटिव में कोई बॉन्ड पीरियड नहीं है। अगर आप इस सर्विस में आते हो तो आप जब तक इसमें अपने आप को रख रहे हो तब तक ठीक है। अगर आपका आगे PO में सिलेक्शन हो जाता है, IBPS PO, SBI PO में, तो आप यहाँ पर रिज़ाइन करके और अपना फर्दर जो है दूसरी जगह जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दूँ। जैसे आपका एग्जामिनेशन जब कभी होता है कोई दूसरा वाला, तो आप अपने डिपार्टमेंट को एक बार कन्वे जरूर करो। आप अपना हॉल टिकट सबमिट कर दो या एप्लीकेशन दो, उसके साथ लगा दो कि मेरा ये एग्जाम है और मैं यहाँ पर इस दूसरे रीजन में एग्जाम देने जा रहा हूँ। वहाँ पर आप प्रॉपर लीव लो। दूसरा मेंस का हो तब भी लीव लो, इंटरव्यू देने जाओ तब भी लीव लो। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड अगर आपके डिपार्टमेंट में रहती हैं और उसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो किसी तरीके की NOC में कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि आप कोई दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो पैरेलल और आपका इंटरव्यू और चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें कोई पंगा नहीं होता है। देखो, जब जहाँ पर बॉन्ड पीरियड होता है तो वहाँ पर तो आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ता है, तभी आपको वहाँ से उस सर्विस से रिलीव किया जाता है। लेकिन IDBI एग्जीक्यूटिव में किस तरीके का कुछ भी नहीं है, तो आप इसको बिंदास फॉर्म भर दें, ज्वाइन कर लें। और गाइज, इसके लिए जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स है वो आपको सारा का सारा करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, फटाफट जाएँ और ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी जनरल अवेयरनेस की अच्छे से स्टार्ट कर दें। थैंक यू। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, सो दैट मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट फॉर्मेट में कर दूं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।